हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे सेमेस्टर्स में आपसे पूछा जाता है कि पीजेंट्स मूवमेंट क्या होता है। तो आज का टॉपिक है पीजेंट्स मूवमेंट, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पीजेंट्स मूवमेंट होता क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके, जो कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट इंडिया के अंदर हुए, और लास्ट में इसके इम्पैक्ट क्या पड़े इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो सारा टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीजेंट्स मूवमेंट है क्या। तो बेसिकली जो पीजेंट्स होते हैं वो गरीब किसानों को बोला जाता है। तो जो पीजेंट्स हैं, जो आंदोलन इंडिया के अंदर पीजेंट मूवमेंट चलाया जा रहा था, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, या तो कुछ पुअर और मिडिल क्लास पीजेंट्स थे, या फिर लैंडलेस लेबरर्स थी, मतलब वो लोग जिनके पास खुद की ज़मीन अपनी नहीं है और जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, उनको टेनेंट्स भी बोला जाता था। तो उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, और इंडिया में जो उसका इतिहास था वो कॉलोनियल टाइम पीरियड से ही शुरू हो चुका था, मतलब अंग्रेजी उपनिवेशवाद का जो समय था उस वक्त थी ये जो मूवमेंट थे हमारे, उनको शुरू किया जा चुका था। और ये बेसिकली दो लोगों के खिलाफ था। सबसे पहले तो कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही थी, उपनिवेशवाद शासन चल रहा था, एक तो उसके खिलाफ था ये आंदोलन, और दूसरा जो जमींदार्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन था, क्योंकि उनको समझा जाता था, उनको माना जाता था कि वो भी क्या है, ब्रिटिश सरकार के एजेंट के तौर पर लोग उनको समझते थे, और इसलिए जितने भी पुअर पीजेंट्स थे उनका आंदोलन अंग्रेज़ों के साथ साथ जो इंडियन जमींदार्स थे उनके खिलाफ भी शुरू किया गया। अब बात करते हैं रीजंस की कि जो पीजेंट्स मूवमेंट थे इंडिया के अंदर वो चलाए क्यों जा रहे थे। तो सबसे पहला रीज़न की अगर बात करो, सबसे पहला रीज़न था पीजेंट एट्रोसिटीज़। इसके अंदर क्या था, जितने भी गरीब किसान थे, क्योंकि इंडिया के अंदर उस वक्त अंग्रेजी सरकार थी, तो बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे पीजेंट्स के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर, जैसे उनके रेंट्स को बहुत हाई कर देना, इलीगल लिवाइज, मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे और गैर कानूनी टैक्स उनके ऊपर लगा देना, अनपेड लेबर, उनको काम के बदले पैसे ना देने, तो बहुत सारे रीजंस थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे थे जिनसे बहुत सारे अत्याचार किसानों के ऊपर किए जा रहे थे। दूसरा रीज़न है ज़मींदारी सिस्टम। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्टैब्लिश होने के बाद पहले जो है ज़मींदारी सिस्टम लेकर आई, फिर रेतवाड़ी सिस्टम लेकर आई, शुरुआत की बंगाल से हुई, बंगाल के बाद बॉम्बे, डेक्कन, बहुत सारे पार्ट्स में, मद्रास तक, काफ़ी सारे इंडिया के पार्ट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये सिस्टम थे वो पूरी तरीके से एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम थी, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू ज़बरदस्ती पीजेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा था, मतलब ज़बरदस्ती बहुत उच्च स्तर पर कर जो है लगाकर वसूला जा रहा था किसानों से। कई जगह ऐसी होती थी जहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो दे देते थे अपने टैक्सेस को, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ पर जो है उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर की हालात इतनी बेहतर नहीं थी, या हम समझ सकते हैं कहीं पर मानसून फेलियर था, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो फेलियर हो गई किसी भी रीज़न से, जिसकी वजह से वो लोग पे नहीं कर पाते थे। अब ऐसे हालात में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसानों की हालत कैसी है, वो किस हालत में, उनको सिर्फ ज़बरदस्ती करके टैक्स वसूलने से मतलब होता था, जिसको लेकर ये जो ज़मींदारी सिस्टम था और जो रेतवाड़ी सिस्टम था उसके खिलाफ लोग इकट्ठे होते जा रहे थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बाद में वो पीजेंट मूवमेंट के तौर पर देखने को सामने मिला। बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तो तीसरा रीज़न है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट्स। सबसे पहले समझते हैं टेनेंट्स कौन होते हैं। टेनेंट्स बेसिकली वो किसान होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीनों पर किराए के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता था, जो भी ज़मींदार है वो, उसने अपनी ज़मीन दी हुई है किसी भी टेनेंट को, जिसके ऊपर पूरी जो है मेहनत टेनेंट करता था, जब उसका प्रोडक्शन निकल कर आता था, ऐसे में कुछ शेयर जो है, मतलब अपनी प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा जो है उसको ज़मींदार को देना पड़ता था। कई केसेस ऐसे देखने को मिलते थे कि ज़मींदार जो है वो ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखता था, थोड़ा हिस्सा टेनेंट्स को दे दिया जाता था। तो ऐसी कुछ नाइंसाफ़ी चल रही थी अंग्रेजी सिस्टम के अंदर, बहुत सारी ज़मींदार्स काफ़ी हद तक जो है एक्सप्लॉयट करते जा रहे थे पीजेंट्स को। ये भी एक रीज़न बना आगे चल के कि जितने भी जो है पीजेंट्स थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने आंदोलन किया, और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि जो पीजेंट्स थे वो अंग्रेज़ों के साथ साथ ज़मींदारों को भी अपना बड़ा दुश्मन मानते थे। चौथा रीज़न है मैसिव लॉस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रूल कर रही थी, वो काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती थी जिससे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम डिक्लाइन होता जा रहा था, क्योंकि जो कंपनी थी उसका पर्पस सिर्फ अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करने का था, इसलिए ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ थी
जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम बर्बाद हो रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कई बार कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को मजबूर किया जाता था, जैसे किसी भी चीज़ की अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड्स बढ़ रही हैं, चाहे वो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इंडिगो हो गया, तो अगर कोई भी कमर्शियल फार्मिंग की जो है डिमांड्स इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, तो इंडियन पीजेंट्स को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि वो उन्हीं क्रॉप्स को उगाएं। अब उससे पीजेंट्स के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर जो है उनकी ज़मीनों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे इतना फ़र्क अंग्रेज़ों को नहीं पड़ता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट की बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो जब भी पीजेंट्स मूवमेंट की बात होती है, सबसे पहला नाम आता है संताल हुल रिबेलियन का। अभी संताल हुल रिबेलियन एक काफ़ी आर्म्ड अपराइजिंग मूवमेंट था पीजेंट्स का, 1856 के अंदर किया गया। संताल बेसिकली एक ट्राइबल ग्रुप होता है, एक जनजाति होती है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ फॉरेस्ट रेगुलेशंस लेकर आई थी जिसके खिलाफ थे संथाल्स जो ट्राइबल के पीपल थे। उनको लग रहा था ये जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस हैं वो एक तरीके का उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, उनकी जो परंपरा और कल्चर है फॉरेस्ट के अंदर, उसके ऊपर जो है एक अधिकार छीनने का काम और एक हमले के तौर पर उसको देखा गया। तो इसीलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया संथाल्स लोगों ने, और इसके अंदर करीब करीब 20,000 संथाल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो काफ़ी बड़ा और सबसे पहला आंदोलन था जो कि फ्रेम में आया इंडिया के, जो कि सबसे बड़ा पीजेंट मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, तो वो है द मोस्ट फेमस चंपारण या फिर इंडिगो मूवमेंट। ये जो है बेसिकली बिहार और बंगाल के अलग अलग पार्ट्स में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने पीजेंट्स को ज़बरदस्ती इंडिगो मतलब नील को उगाने के लिए मजबूर किया। तो नील की खेती करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया जिसको प्लांटर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो को जो है प्लांट करें, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था पहले बंगाल के अंदर। तो पहले बंगाल के अंदर बड़ा आंदोलन चलाया, वहाँ से इंडिगो मूवमेंट को जो इंडिगो जो प्लांटर्स थे उन्होंने आंदोलन करके इस चीज़ को ख़त्म किया। फिर ये अंग्रेज़ों ने चीज़ बंगाल से शिफ्ट करके बिहार में कर दी। फिर ये और भी बड़ा आंदोलन हुआ, फाइनली गांधी जी के इंटरवेंशन के बाद ये जो एक बड़ा आंदोलन चलाया गया चंपारण के अंदर, गांधी जी के इंटरवेंशन के बाद नील की खेती को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया। तीसरे एग्जांपल की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो भी, डेक्कन अपराइजिंग 1875 के अंदर ये आंदोलन हुआ। और इसके अंदर पहले आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले वो है बंगाल के अंदर ज़मींदारी सिस्टम को लेकर आई थी। एक्चुअली उनका ज़मींदारी सिस्टम बंगाल के अंदर फ्लॉप हो गया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा जो है बंगाल से बढ़कर बिहार, उसके बाद जो है डेक्कन और बॉम्बे वाले एरिया में भी होता गया था। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे सिस्टम पहले फेल हुआ उनका ज़मींदारी, उसके बाद बॉम्बे और डेक्कन वाला जो रीजन था वहाँ पर वो जो है रेतवाड़ी सिस्टम को लेकर आए। अब रेतवाड़ी सिस्टम भी काफ़ी हद तक एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, क्योंकि इसकी जो रेट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे टैक्स रेवेन्यू के, इसके लिए ज़बरदस्ती जो है टैक्स इकट्ठा किया जाता था बहुत उच्च दरों के ऊपर। इसके जवाब में क्या, जितने भी पीजेंट्स थे उनको उन हाई टैक्सेस को पे करने के लिए मनी लेंडर से बहुत सारा कर्जा लेना पड़ता था। अब ये एक पूरा साइकिल चलता था, पूरा कर्जा लेके जो है उसको पे करने के लिए, इसके बाद जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी हद तक डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे थे। उसके बाद जो है ये एक बड़ा आंदोलन हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी था और मनी लेंडर से खिलाफ। तो तीसरा एग्जाम्पल है, इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप अपने क्वेश्चन में समझा सकते हो जिससे कि आपकी लेंथ काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप सीधे ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन पीजेंट्स मूवमेंट का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जितने पीजेंट्स मूवमेंट थे भारतीय समाज के ऊपर इनका क्या प्रभाव था, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही था कि जितने पीजेंट्स मूवमेंट थे, हालांकि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ तो नहीं फेंका था, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस ज़रूर स्प्रेड कर दी थी सभी पीजेंट्स के बीच में कि अगर सभी लोग इकट्ठा होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनको झुकाया जा सकता है। दूसरा इम्पैक्ट एक ये भी था कि जितने भी ये जो आंदोलन हो रहे थे उससे जो है अलग अलग ग्रुप्स भी बनना शुरू हो चुके थे, अलग अलग यूनियंस और एसोसिएशंस भी बनना शुरू हो चुके थे, जैसे भारतीय किसान यूनियन या कोई भी किसान सभा। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इंडिया के अंदर बनने शुरू हो चुके थे जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी लगातार टाइम टू टाइम
जितने भी किसान थे, पीजेंट्स थे, उनके इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए आंदोलन करते थे। तीसरा इम्पैक्ट ये भी था कि जितने भी आंदोलन थे, इन सभी आंदोलन के थ्रू इंडिया का जो एग्रीगेरियन सेक्टर था, जो खेती बाड़ी का जो सेक्टर था, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हुए, उसके अंदर सुधार की बात की जाने लगी। तो तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये इम्पैक्ट। बात करें चौथे इम्पैक्ट की, तो चौथा इम्पैक्ट था कि जितने भी आंदोलन हो रहे थे वो एक तरीके से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत कर रहे थे, एक राष्ट्रवाद की शुरुआत कर रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे कि जितने भी भारत के अंदर लोग हैं उन सभी के जो दुश्मन अंग्रेज़ हैं, सभी को इकट्ठा होना चाहिए और एक आज़ादी के आंदोलन लड़ना चाहिए देश को आज़ादी कराने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये इम्पैक्ट भारतीय समाज के ऊपर। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा पीजेंट्स मूवमेंट का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।